मैं चित्रा सहस्रबुद्धे, मैं हूँ मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से। मालवा में इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है, मुख्य रूप से हम वहीं के हैं, हमारा परिवार वहीं का है। मेरा जन्म इंदौर में हुआ और मेरा मायके का सरनेम कीर्तने था, चित्रा कीर्तने। शादी होने के बाद चित्रा सहस्रबुद्धे हुआ। हमारे बचपन में हमारी माँ और पिताजी दोनों सरकारी कर्मचारी थे, जहाँ तक जब से मुझे याद है, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटी बच्ची, 6 बच्चों में थी। तो एक फ़ायदा तो ये था कि मुझे अपने बड़े भाई बहनों से दुनिया के बारे में सहज जानकारियाँ मिलती रही। और हमारे पिताजी थोड़े से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थे, उन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन उनका बार बार आग्रह रहता था कि हमको समाज के बारे में सोचना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन समाज व्यापक हित क्या हो सकते हैं, इस पर सतत विचार करना चाहिए। मेरी माँ बनारस की थी और बनारस से शादी करके वो पूना गई पहले, क्योंकि कीर्तने परिवार पूना का था। मेरे दादाजी दामोदर कीर्तने थे और मेरे परदादा जी विनायक कीर्तने रहे। मेरे पिताजी का नाम मधुसूदन कीर्तने था। विनायक कीर्तने जी बड़ौदा रियासत में भी काम कर चुके थे और होलकर रियासत। उनका ये आग्रह रहता था कि पढ़े लिखे लोग अंग्रेज़ी में लिखने से या संस्कृत में लिखने से, जो भी उनके विचार है, जो भी ये हैं, लिखने पढ़ने की भाषा हमेशा मातृभाषा होनी चाहिए, ये उनका आग्रह था। और पढ़ाई लिखाई जब तक संस्कृत या अंग्रेज़ी में होगी, इस समाज का बेहतर भविष्य नहीं बनेगा। वो लेखक भी थे, उन्होंने 2 नाटक भी लिखे। तो ये परंपरा पढ़ने लिखने की रही यहाँ, और इसको हम लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत। तो वो किताबें भी पढ़ी। मेरे नाना जी बनारस की राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण किरदार नाम रहे हैं। उन्होंने हरिश्चंद नाट्य समिति थी या ऐसा कुछ नाम था उसका, पहला नाटक इसका, उसके सदस्य थे। और उनका कंट्रीब्यूशन यह था इस नाटक कंपनी का को कि वो नाटक भी लिखते थे और उनके द्वारा अभिनीत महाराणा प्रताप का जो चरित्र, मुख्य चरित्र था, उसके लिए जाना जाता है। हर लोग याद रखते हैं, करते हैं, कानपुर तक याद किया करते थे कि उनका नाटक आएगा तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि उसमें दुग्वेकर जी हैं। तो उनका नाम था गोविंद शास्त्री दुग्वेकर। वो असल में एक तर्क शास्त्र, इसके तंत्र के तांत्रिक थे और तंत्र शास्त्र के बहुत अच्छे जानकार थे, विद्वान थे। इसलिए हम लोग ब्राह्मण होने के बावजूद नाना जी के घर में देवी की पूजा में वो बकरा बलि होता था, ये सब होता था। तो एक परंपरा के वाहक थे वो, यहाँ के दर्शन परंपरा के। ये दोनों परिवारों से मुझे बहुत कुछ मिला। एक तरफ से आधुनिक ज्ञान की के प्रति जो आग्रह रहा, और एक तरफ जो समाज हमारा जिस इसमें जी रहा है, वो सारी बातें मुझे अपने ननिहाल से मिली है। मेरी माँ अपने पिता की इकलौती बेटी थी और उनका पठन पाठन यहाँ वसंत कन्या महाविद्यालय से हुआ, कमच्छा से। और करीब 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और वो चली गई पूना। इसके बाद वो पूना से इंदौर आ गई। वहाँ हमारा जन्म वहीं हुआ और हमारी पढ़ाई लिखाई बचपन से, तो MSc तक इंदौर में हुई। हमारे माँ पिताजी का नज़रिया थोड़ा सा लड़के और लड़की में बराबरी का था।
मतलब जैसे लड़कों को पढ़ाना है वैसे ही लड़कियों को भी पढ़ाना है, वो सारे अवसर उनको देने हैं जो हम अपने लड़कों को देते हैं। हमको स्विमिंग सिखाया गया बचपन से, हमें बाहर खेलने के लिए भेजा गया, वहाँ पढ़ने के लिए जो भी सुविधाएं थी, हमारी बड़ी बहन जो थी हमारे से 7 साल बड़ी थी, उनको पहली बार साइंस में शिक्षा लेना है तो उस समय साइंस का ज़माना था, हर कोई चाहता था कि उसमें हम पढ़ें, तो वो था। और तो उनको अवसर दिया गया, उनको जो दूर था कॉलेज उसके लिए साइकिल से जाने की ये की, तो ये इस तरह का नज़रिया उनका ये था। और केवल इतना नहीं था, उन्होंने हर पाखंड का अपने स्तर पर समाज में जो व्याप्त है पाखंड उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की नसीहत भी दी और खुद भी करते थे। उदाहरण के लिए शादी ब्याह में वो इतना सजावट और दहेज और ये इसके खिलाफ रहे। हम 6 भाई बहनों में 3 भाई और 3 बहनें थीं, मैं सबसे छोटी। तीनों 6 भाइयों में सबसे बड़े भाई थोड़े बीमार रहते थे, उनको एपिलेप्टिक था और वो बीमार रहते थे, बिस्तर पर ही रहते थे, बाकी भाई बहन उनकी सेवा में लगे, ये माँ पिताजी का आग्रह था और हम लोगों ने उसको सीखा। असल में समझ ये रही कि घर में कोई एक ऐसा बूढ़ा या बीमार व्यक्ति होता है तो बाकी लोगों को सेवा भाव जल्द सीखने का एक अवसर मिलता है, तो इस रूप में उन्होंने उसको रखा। भाई बहनों में सबकी शिक्षा हुई, ब्राह्मण परिवार था इसलिए थोड़ा शिक्षा पर जोर था। पूना में इन लोगों के पास कुछ ज़मीनें थी लेकिन हमारे पिताजी उस पक्ष में नहीं थे कि उस पर अपना दावा ये किया, इसलिए खेती वेती से हमारा कोई संबंध नहीं रहा और उसको उन्होंने त्याग दिया था। नौकरी करना ही एक प्रमुख आय का साधन हो, जीविका का साधन हो, ये लक्ष्य था सबके सामने, इसलिए उस हिसाब से पढ़ाई के क्षेत्र चुने गए। भाई बहनों में मेरी बहनें बहुत अच्छी गायिका थी और लगातार संगीत का माहौल घर में रहता था। भाइयों में ज़्यादातर उनको, जैसा कि हमेशा हर घरों में होता है, जिम्मेदारी का एहसास कराया गया था कि परिवार का की जिम्मेदारी भी संभालना है। चूँकि आय के स्रोत बहुत कम हुआ करते थे उस समय, समझ लीजिए वेतन जो थे हमारे बचपन में वो बहुत कम थे। पिताजी कुछ 600 रुपये कमाते होंगे, माँ को शायद 200 रुपया मिलता होगा, प्राथमिक विद्यालय में वो शिक्षिका थी। उस समय उस सैलरीज तो बहुत बाद में बढ़ी हैं, तो हम लोगों के पास बस खाने पीने भर का था, बहुत ज़्यादा शौक ये करने के का ये नहीं था, मतलब इतनी आमदनी नहीं थी, तो घर भी कभी अपना नहीं बनाया पिताजी ने। और न हमेशा ही हम लोग किराए के घरों में रहे जिसमें 1 या 2 कमरे होते थे, रसोई होती थी, आंगन होता था, इसमें हम लोग 6 बच्चे और माँ पिताजी रहते थे। हमारे दादा दादी या नाना नानी मेरे बचपन से ही मुझे याद नहीं है क्योंकि वो गुजर चुके थे। तो ये इकाई परिवार ही था लेकिन एक बड़ा परिवार था भाई भाई बहनों का। साथ में कुछ ऐसा माहौल था हमारे माँ पिताजी का कि बच्चे कुछ ज़्यादा सामाजिक क्षेत्रों में दखल लें, तो लगातार हमारे घर में बच्चों का खेल, सारे खेल मोहल्ले के बच्चे हमारे यहाँ खेलने आते थे, चाहे कैरम हो, ताश हो, चाहे जो हो, सस्ते खेल जुटाने का काम वो लोग कर लिया करते थे। केवल इतना ही नहीं, वो छोटे छोटे नाटक भी करते थे और अक्सर गणेश उत्सव में नाटकों की जिम्मेदारी, उनकी रिहर्सल, उनको कौन से नाटक खेले जाएंगे वगैरह वगैरह, शायद वो उनको अपने पिताजी से मिला हो मेरी माँ को, पर माँ पहल लिया करती थी उसकी और खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारियाँ लेती थी कि हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। तो इस तरह से वो सांस्कृतिक और सामाजिक हर उत्सव को में शामिल होने की उन्होंने प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र पर ज़्यादा महत्व रहा कि सब लोगों को ठीक से, सब बच्चों को ठीक से शिक्षा मिले। MSc तक तो ऐसा था, होलकर रियासत में एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने नीति अपनाई, शायद अहिल्याबाई के नाम पर,
कि लड़कियों को शुल्क नहीं लगेगा एमएससी तक, बहुत ही कम मामूली शुल्क पर हम लोगों ने एमएससी तक की शिक्षा ग्रहण की। एमएससी के बाद हम लोग निकले अलग अलग जगहों पर। मेरी बड़ी बहन, मेरे से जो बड़ी हैं, वो कानपुर आईआईटी में, उसने फिज़िक्स में किया एमएससी और उसको कानपुर आईआईटी में रिसर्च के लिए उसका सिलेक्शन हो गया। मेरे से जो बड़ा भाई है वो उसने भाभा, उसने इंजीनियरिंग किया और वो उसकी पहली नौकरी भाभा इसमें लगी, एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये सब देखकर, और सबसे बड़ा भाई चूँकि बड़ा था, वो रेलवे में उसने जॉब ले लिया और मुंबई चला गया। बड़ी बहन की शादी मेरी एमएससी में थी तभी हो गई, उसने केमिस्ट्री में एमएससी किया था और होलकर कॉलेज से ही उसने रिसर्च ज्वाइन किया था, लेकिन उसका पीएचडी पूरा नहीं हुआ। फिर वो उसने एक नौकरी ले ली सरकारी, ड्रग इंस्पेक्टर हुई। वो नौकरी मतलब क्या कहेंगे, काफ़ी सालों तक वो शायद पहली ड्रग इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश की थी महिला। तो ये थोड़ा सा, और उसमें भी कुछ खेलों के प्रति ये था, वो शतरंज की चैम्पियन थी स्टेट लेवल की, और बाद में उसने नेशनल में भी खेला शायद, पर हो नहीं पाए उसमें पे। तो ये एक परिवार का माहौल हुआ। पीएचडी में जाने के बाद दुनिया बड़ी हो गई। कॉलेज में तो हम लोग हिंदी साहित्य वगैरह के मार्फत समाज को समझने की कोशिश करते थे। हम लोग प्रभावित थे कि हिंदी में जो साहित्य है, ख़ास तौर से प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु वगैरह का, उससे एक सामान्य जीवन की एक समझ थी कि जायस तो सामान्य जीवन ही है। आप अगर अब किसी एक ज्ञान का को हासिल करते हैं तो वो केवल एक ही तरह का ज्ञान है, उससे आप पूरी दुनिया नहीं समझते, और ना पूरी दुनिया की किसी क्या कहेंगे उनके आपसी संबंधों को समझ सकते। एक पक्ष आपके सामने आता है, इसकी समझ हमको हिंदी साहित्य पढ़ने से हुई, ख़ासतौर से फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों से हमें ये प्रेरणा मिली। तो ये एक मोटी मोटी समझ थी। और अच्छा, हमारा दौर जो था जब हम छात्र थे, उस समय विद्यार्थी आंदोलन चल रहा था, जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, तो लगभग ये समझ लीजिए कि आठवीं कक्षा के बाद जो बड़े परिवर्तन समाज के सामने आए, उनमें से एक तो था हिंदी आंदोलन, हिंदी नहीं अंग्रेज़ी हटाओ आंदोलन, उसको हम हिंदी भाषा आंदोलन नहीं कहें, नहीं था उसका नाम, उसका नाम था अंग्रेज़ी हटाओ आंदोलन। उसने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, उम्र भी छोटी थी, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि जो सब लोगों को जो भाषा समझ में आती है उसको जीवन और क्या कहेंगे उसको ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें प्रधानता मिले, यह एक न्याय आधारित समाज की पहली और बुनियादी ये है आवश्यकता। और तब उस इससे हम लोग केवल भाषा की ही नहीं, समाज की हर ज़रूरत को इस तरह देखने लगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हैं व्यवस्थाएं, वही न्याय दे सकती है। कोई एक व्यवस्था जो किसी एक ज्ञान पर आधारित हो या किसी कुछ पक्षों पर आधारित हो, कुछ लोगों पर ही आधारित हो, ये अन्याय का स्रोत रहेंगी। ये समझ अंग्रेज़ी हटाओ आंदोलन से हमें मिली। देखिए, भाषा का और न्याय और समाज की सक्रियता और समाज की पहल से रिश्ता कैसे देखना आ गया इससे, केवल भाषा आंदोलन से, किस न्याय किसे कहेंगे, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सक्रियता कैसे बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पहल कहाँ से आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अंतर का रचनात्मक पक्ष कैसे विस्तृत होता है, विकसित होता है, इसका इसके बीच हमको अंग्रेज़ी हटाओ आंदोलन से मिले। बाद में आगे जाके पढ़ा कि किस तरह से औपनिवेशिक दुनिया में, हमारे ही देश में नहीं अन्य कई देशों में, लोगों ने साम्राज्यवादी शक्तियों ने इस पहल को ही रौंदा है सारी
केवल भाषा के मार्फत ही नहीं, ज्ञान के मार्फत, उनके ज्ञान को भी रोंदा है, हटाया है। तो इस तरह से इसको समझने की एक निरंतर एक धारा हमको मिलती चली गई है। दूसरा जयप्रकाश जी के आंदोलन से मिली है। जब तब तक हम बड़े हो चुके थे, BSc हो चुके होंगे शायद हम, और जैसे ही MSc की फाइनल की परीक्षा हुई उसके बाद इमरजेंसी लग गई तुरंत। तो ये दौर बहुत हलचल का था, बहुत कुछ सोचने का था। कहानी और साहित्य में लगातार लोगों की जो प्राथमिकताएं हैं उस तरह, उसको राजसत्ता किस तरह से एक के बाद एक नकारती चली जाती है और उस नकारने में कितना आक्रामक हो जाती है, इसके एक एक उदाहरण नज़रों के सामने से गुजरने लगे। विचारधाराओं के स्तर पर हम अधिक सक्रिय नहीं थे, इस अर्थ में कि न कांग्रेस के पक्ष में, न उस समय BJP तो था नहीं, जनसंघ था और वामपंथी दल थे। इंदौर में वामपंथी दल केवल औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय थे और बहुत हमारा मतलब मित्र थे उनके। हमारे पिताजी चूंकि राजनीतिक इसमें सक्रिय थे तो उनके मित्र घर पर आते जाते थे हमारे, आना जाना काफ़ी था विविध विचारधारा के लोगों का और बहसें भी होती थी। लेकिन मेरा अपना खुद का उससे कोई ज़्यादा वास्ता रहा हो ऐसा नहीं था। लेकिन MSc के बाद जब मैं दिल्ली गई और दिल्ली के मार्फत जब मैं कानपुर के समूह मजदूर किसान नीति से जुड़ी, तो मुझे इन विचारधाराओं से और अपने इंदौर के में जो जीवन बिताया था उसमें एक पूरा संबंध देखने का अवसर मिला। और फिर उसके बाद ये दुनिया एकदम बहुत खुल गई हमारे सामने और अलग अलग पक्षों पर हम मजदूर किसान नीति के मार्फत सक्रिय हुए। बगल में JNU था, दिल्ली IIT में हम रिसर्च करने गए, बगल में JNU था तो आना जाना JNU में था और सक्रिय संवादों में शामिल हुए। वही दौर था जब महिला आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ पर मानुषी पत्रिका का एक समूह बना, उनकी बैठकों में जाना आना शुरू हुआ। तो ये बहुत ही हलचल वाले दिन थे और इसमें ये धारणा बन गई कि अरे पढ़ाई तो एक बहुत छोटा हिस्सा है इसका, दुनिया तो ये है, यहाँ हमारी परीक्षा होनी है। हमारी परीक्षा है उसमें नहीं होनी है कि हम कितना नंबर पाते हैं और कौन से सब्जेक्ट में टॉप कर रहे हैं या कौन से विषय को ये कर रहे हैं, मैं कुशलता हासिल कर रहे हैं। परीक्षा तो यह है कि समाज में आप क्या करने जा रहे हैं। इतने सारे मौके हैं, इतने सारे अवसर हैं, इतने सारे संघर्ष हैं, इसमें से आप कौन सा किस रास्ते से जाएंगे, किन मूल्यों के तहत जाएंगे, किन मूल्यों की स्थापना में अपने को लगाएंगे, इसमें आपकी परीक्षा है। और तब फिर कई ढंग से इस पर सोचना शुरू किया। रिसर्च करने फिर कानपुर आई और कानपुर में मजदूर आंदोलन से जुड़ी। फिर अभी ये बता रहे हैं कि आपके पिताजी की जो एक विचारधारा थी उससे आपको समझ में आया कि कैसे कनेक्शन है इसका, तो उसमें भी एक विचारधारा थी, कम्युनिस्ट विचारधारा या मजदूर यूनियन की जो एक विचारधारा थी, तो उसको लेकर कैसे आगे बढ़ी आप? हाँ, तो मजदूर किसान नीति समूह ये विद्यार्थियों का एक समूह था कानपुर IIT में, और मैं अब चूंकि मेरी बड़ी बहन वहाँ थी तो मेरा कभी कभी आना जाना होता था और मैं थोड़ा सा बहुत दिल्ली से उसके बारे में लिखती थी। हम जब PhD करने गए तो दिल्ली गए जब, तो शुरू में असल में हमारी बड़ी बहन मेरी एक तरह से गुरु हैं क्योंकि वो हमसे 3 साल बड़ी हैं। नाम सुनंदा कीर्तने। तो उनकी उन्होंने मतलब उनके साथ बचपन से हम खेलते रहे हैं। उन्होंने ही बताया कि किस तरह से वो हमारी पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, लोगों से झगड़ा हो दोस्तों के बीच में तो उसको सुलझाना वगैरह, ये सारा काम उनके साथ हुआ है, उनसे सीखा है कि क्या झगड़ा हुआ। अच्छा, तो बड़े प्यार से समझाती थी किस बात पे झगड़ा हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो मूल्य है कि किन बातों से वो सुलझाती थी,
ये हम अपने आंखों के सामने देखते थे व्यवहार में, तो वो कुछ एक गुरु का रूप ले लिया उन्होंने कि ऐसे करना, पढ़ाई ऐसे करना चाहिए, इसमें ये देखना चाहिए, पहले ये पढ़ो, फिर उसके बाद ये पढ़ो, फिर उसके बाद ये पढ़ो। तो इस तरह से गुरु का, केवल पढ़ाई में नहीं, खेल अन्य क्षेत्रों में, उसी तरह से ये राजनीतिक समझ और सामाजिक समझ, यूं कहें हम कि समाज की समझ के लिए वही हमारी गुरु रही। तो सबसे पहले जब हम पीएचडी करने गए तो एक बार कानपुर आईआईटी गए। कानपुर आईआईटी में मजदूर किसान नीति ग्रुप की बैठकें हुआ करती थी। उस समय इमरजेंसी के बाद का दौर था शायद, तुरंत मैंने 76 में ज्वाइन किया दिल्ली, और उसी समय मैं गई हूँगी कानपुर आईआईटी, इमरजेंसी जारी थी शायद किया। तो वहाँ इन लोगों ने वहाँ के मेस वर्कर्स के बीच में काम शुरू किया था, तो मेरा भी थोड़ा सा बहुत जाना आना हुआ। और फिर हमने मजदूर किसान नीति की के समूह से वार्ताएं की, तो उनके बहुत से विचार मुझे सही लगे। और फिर इमरजेंसी के खत्म होने के बाद उन्होंने एक पत्रिका निकाली जनवादी करके, उसको पढ़ा, मैंने कहा कि इससे जुड़ना चाहिए हमको, और हम फिर उसके उसी का नाम फिर ये हुआ मजदूर किसान नीति, जनवादी से। जनवादी के कुछ कितने कितने इशू निकले मुझे याद नहीं है, लेकिन हम मजदूर किसान नीति जब बना तब उससे जुड़ गए। इमरजेंसी खत्म हो गई थी और जनता दल की सरकारें आ गई थी, उसमें हम लोग सक्रिय हो गए। और उनके विचार उस समय सुनील जी वहाँ थे, और शायद संपादक मंडल जो भी था प्रमुख उसमें शायद शामिल भी थे। तो हमारी बहन ने थोड़ा सा सजेस्ट भी किया, आना जाना बढ़ा, बातचीत हुई और सुझाव भी दिया। फिर एक दो बार जो कार्यक्रमों में हम लोग शामिल रहे, तो शादी का प्रस्ताव के बारे में सोचने लगे हम लोग, और हम लोगों ने अपने अपने घरों में भी कहा। लेकिन शादी के प्रस्ताव के करीब 1.5 साल बाद हम लोगों ने शादी की। मेरा पीएचडी पूरा हुआ नहीं था, उनका भी पीएचडी पूरा नहीं हुआ था, उनके पीएचडी का वो संघर्ष भी चल रहा था, तो उस ये सब साथ साथ में होता रहा। नौकरी कोई नहीं थी जब हमारी शादी हुई उनको, और मजदूर किसान नीति से कुछ 400-500 या ऐसा कुछ मिलता था जो जिससे चलता था। स्कॉलरशिप बंद हो चुकी थी उनकी भी और मेरी भी। तो हम लोग कानपुर में रह रहे थे शादी के बाद, और एक छोटा बच्चा, पहला बेटा सागर था। उसके बाद उनकी पीएचडी का जो संघर्ष था उसमें यह तय हुआ कि आप पीएचडी लिख के सबमिट कर दीजिए और फिर क्या होगा देखा जाए। तो सबमिट कर दिया, और फिर बनारस में ये जॉब मिला इनको गांधी विद्या संस्थान में। तो उन्होंने सोचा ले लिया जाए, क्योंकि इस जॉब में हालांकि पैसे बहुत कम थे, यूनिवर्सिटी अध्यापक को जो मिलता था वो नहीं था उतना, नहीं था, आधा लगभग था, आधा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन काम करना था इस पर, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक है और हम लोग चलते हैं वहाँ। तो हम लोग फिर यहाँ आ गए। कौन से 83 में हम लोग यहाँ आए, और तब से बनारस में बने हुए हैं। लगातार हमारी समझ ये रही कि अगर ये सामाजिक काम करना है इससे, तो हम लोगों को बनारस जैसी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, उत्तर भारत जैसी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बराबर आग्रह था। इनके माँ पिताजी नागपुर में रहते थे और मेरे माँ पिताजी इंदौर में रहते थे, तो इंदौर तो जाने का सवाल नहीं था, लेकिन नागपुर शिफ्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये सोचा गया। वहाँ जॉइंट फैमिली थी, तो पर हमको बराबर लगता था कि मराठी न कभी इन्होंने पढ़ा है न मैंने, पूरी शिक्षा हमारी हिंदी में ही हुई है दोनों की। तो हमको लगता था कि मूल जो समझ चाहिए समाज की, उसके लिए भाषा थोड़ी सी यहाँ के लोगों की होनी चाहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस दृष्टि से कर्म क्षेत्र के रूप में हम लोगों ने ये इलाका चुन लिया, और फिर यहाँ से जहाँ तक संभव हो न हटने का निर्णय लिया। वो भगवान की मर्जी थी कि इस पर हम लोग डटे रह सके और अभी तक हैं यहाँ।
अब ये आश्रम बना उसके बाद तो सवाल ही नहीं है, हमने सोचा यही रहेंगे। अब शादी के बाद बनारस में हम लोग गांधी विद्या संस्थान में कैंपस में ही रहे। वही दूसरी बेटी का जन्म भी हुआ 84 में। लेकिन उस दौरान मजदूर किसान नीति बराबर निकल रही थी, पाक्षिक थी और काम मतलब लगातार काम रहा सुनील जी के पास। झांसी में कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए गया प्रकाशन का संपादक का काम। बाद में फिर इसको हम लोग बनारस ले आए और प्रकाशन भी यहीं से होता रहा। तो इस तरह से शादी के बाद भी लगभग 87 तक ये निकला मजदूर किसान नित्य की पत्रिका, और लगातार विविध संघर्षों के साथ एक जुड़ाव रहा। प्रमुख जो जुड़ाव रहा हम लोगों का मजदूर किसान नीति समूह का, वो था किसान आंदोलन से।